बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। बारिश का मौसम शुरू होते ही आए दिन किसी न किसी शहर में कोई पुल गिर जा रहा है। ताज़ा मामला सारण से सामने आया है, जहां गंडक नदी पर बना पुल गिर गया। मिली जानकारी के अनुसार महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया पंचायत के पड़ाइन टोला के पास गंडक नदी पर बना पुल अचानक से धंस गया। बता दें कि इस वक्त पुल पर आवागमन भी पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। जानकारी के अनुसार पुल धंसने की वजह से करीब एक दर्जन गांव के लोगों का आवागमन बाधित हो गया है। स्थानीय लोगों की माने तो सिवान के महाराजगंज अनुमंडल के देवरिया पंचायत के पड़ाइन टोला के पास बीती देर रात करीब 1 बजे के आसपास पुल धंसा, जिस वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। पुल के धंसने की वजह से लोग परेशान हैं। बता दें कि गंडक नदी पर बना ये छोटा पुल है और इसे पुलिया भी कहा जाता है। और ज्यादा जानकारी के साथ सारण से हमारे सहयोगी धनंजय फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। धनंजय, बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां इस बार फिर से पुल टूटने की खबर सामने आई है, लेकिन इस बार जो है पुल सारण में टूटा है, क्या कुछ पूरी जानकारी से लेकर? जी देखिए, आपको बता दें कि इलाका जो जनता बाजार लालापुर प्रखंड का जनता बाजार जो एक क्षेत्र आता है, उस जनता बाजार क्षेत्र के पास यह पुल था, जो बाजार के जनता बाजार मंदिर के पास अवस्थित था। यह एक गंडक की नदी है, उस नदी पे अवस्थित यह पुल था। यह पुल लगभग 8 से 20 वर्ष पहले कार किया जब पुल बना था, उसके बाद से अब जो इस बार जो स्कूल का गिरने का मुख्य कारण जो वहाँ के ग्रामीणों के द्वारा जो बताया जा रहा है, या फिर जो स्कूल के गिरने के बारे में जो जानकारी मिली है, वो गिरने का कारण जो है वो नदी में जो सिल्ट जो होता है, सिल्ट का घाट का जो सफाई किया गया है, और जो घाट का सफाई करने के बाद जब पानी से जो पानी भरा गया, तो पानी जब आने के बाद उस पानी का जो प्रवाह था वो काफी तेज था, जिसके कारण यह पुल ध्वस्त हो गया। जी बिल्कुल। तो फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है? जी देखिए, अभी जब वह पुल गिरा था उस समय पुल के आवागमन का जो रहता है वो आवागमन पूर्णतः उसमें प्रतिबंधित था, वहाँ पे एहतियात के तौर पर, लेकिन पुल गिरने के क्रम में लोगों को आभास हो चुका था कि यह पुल गिरेगा, इसलिए जो वो पुल गिरने का जो लाइव वीडियो जो है वो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, और वहीं से मीडियाकर्मी लोगों को भी किसी न किसी माध्यम से वीडियो उपलब्ध हो पाया, जिसके चलते जो लाइव पुल गिर रहा है उस पुल का वीडियो शॉट है वो मिल पाया। जो स्थानीय जो लोग हैं उन लोगों का कहना है कि जो साफ सफाई का जो काम किया गया था उचित जो प्रिकॉशन लेना चाहिए था, जो नदी जो नहर विभाग का जो संवेदक था उसको इस तरह से वो नहीं लिया गया, जिसके चलते इस तरह का घटना घट गया। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय तमाम जानकारी साझा करने के लिए।